कौन जेठा भरा परेशान दिख रहे हो यार हमेशा की तरह। ओ यार मेरा टेढ़ा साला है ना सुंदरलाल उसकी वजह से। ओ जेठा लाल तुम्हारा साला टेढ़ा है तो क्या हो गया यार साला तो तुम्हारे ही है ना। और वैसे मुझे वो बंदा बहुत चंगा लगता है जी। सोटी यार मेरे दोस्त को अर्जेंट पैसों की जरूरत है अभी क्या है मेरे घर पे रोकड़ा नहीं है तो सिर्फ एक घंटे के लिए तू मुझे दे सकता है। ओ यार तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त बोल कितने चाहिए दिया सिर्फ 15,000। ओ सिर्फ 15,000 मैं तो 1.5 लाख रुपया दे सकता हूँ। अच्छा अगर अभी मेरे पास होते तो। तो अभी कितने अभी तो 1500 है चलेगा नहीं चलेगा तो मैं चलूं चलेगा। यार भाई यार भाई मेरा दोस्त मेरा यार यार भाई आपसे थोड़ा काम था पेरेंट्स से। ओके सिर्फ एक घंटे के लिए एक ही घंटे के लिए मुझे थोड़ा 15,000 रुपए की जरूरत थी। नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। इतना बड़ा झूठ ऐसा डायरेक्ट मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। अभी मैंने देखा आपने जेब में रखा 15,000 यार भाई ऐसा झूठ मत बोलो आप। नहीं क्या है जेठालाल मेरा लाइफ का एक रूल है किसी को उधार देने का नहीं और किसी से उधार लेने का नहीं। नहीं उधार मत लो वो बराबर है लेकिन मुझे उधार दो। नहीं 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 रूल इज रूल यार भाई रूल होता है तोड़ने के लिए है? देखो जेठालाल पैसों के व्यवहार से वो संबंध बिगड़ते हैं। अरे हाँ हमारे साथ संबंध बिगड़ने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। दया भाभी ये लीजिए तिलगुड़। तिलगुड़ खा गोड़ गोड़ बोला। ए भिड़े भाई हम लोग गोड़ गोड़ बात नहीं करते जो है सीधा सीधा बात करते हैं। अरे जेठा भाई गोड़ गोड़ बोला या नहीं मीठा मीठा बोलिए। ओ ऐसा फिर तो ये सब लड्डू भिड़े भाई को ही खिलाना चाहिए। सुखी इंसान। सुखी इंसान किस लिहाज से? अरे भाई जिसकी बीवी मायके गई हो वो सुखी नहीं तो और क्या है? आपकी बीवी मायके जाती नहीं और मेरी बीवी मायके जाती नहीं है। यानी कि हर वो इंसान दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है, है? क्या कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो? अरे भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि सुबह ही सुबह क्या बीवियों की बुराई करने आए हो यहाँ पे। अरे नहीं भाई नहीं।